नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा, आप लोगों के पास एक बार फिर से आया हूँ। समय किस तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? अभी का समय अगर हम लोग कोरोना वगैरह नहीं होता तो हम लोग देख सकते थे कि थोड़े ही दिन बाद ट्वेल्थ का रिजल्ट आता और फिर हम लग जाते भाग दौड़ में कि भैया कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है, मेडिसिन ज्वाइन करना है, फार्मेसी, वेटरनरी, बीएससी क्या ज्वाइन करना है, कैसे करना है। और फिर वो सब तो अभी भी होने वाला है, हो सकता है रिजल्ट 2-4 दिन लेट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन रिजल्ट आएगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी कुछ अगर लाइफ में करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला वीडियो जहां मैं बात करने वाला हूँ व्हाट आफ्टर 12th साइंस। बहुत ज़रूरी है, बहुत हीटेड टॉपिक है, हमेशा से ही एवर डिमांडिंग है। हर बच्चों को पास हजारों वीडियो इस टॉपिक पर बना दूँ तो भी कम है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ व्हाट आफ्टर 12th साइंस, जिसमें मैं आने वाले सीरीज में 15 से 20 वीडियोज अपलोड करूंगा आपके डिमांडेड टॉपिक्स पे। सर ये वाला टॉपिक बताओ, ये वाला टॉपिक बताओ, जिसका एक आज आपको ट्रायल है या फिर ट्रेलर समझ लो कि मैं आने वाले टॉपिक में क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा और रफ आइडिया देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है व्हाट आफ्टर 12th साइंस, बहुत बेसिक है। हमने सबने ज़्यादा करके जो मेरे ऑडियंस है साइंस वाले, इसके लिए मैंने बनाया है। अब बहुत बेसिक है, सबको बता रहा हूँ। 12th साइंस के पास दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक जनरल कोर्सेज होते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। बहुत टेंशन देने वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जनरल कोर्सेज में बीएससी एंड एक्सेट्रा कोर्सेज आते हैं, जिसको मैंने ब्लैंक रखा है, रीज़न थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों है। और उसके बाद यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा मैंने फिल किया है, फिर से यहाँ बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ध्यान से सुनो, मैं आज के डेट में अभी ज़्यादा करके स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं प्रोफेशनल के लिए, तो मैं फिलहाल प्रोफेशनल का बात कर रहा हूँ। टेंशन मतलब मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसी भी कोर्स को। फिलहाल बात करते हैं हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग फार्मेसी, ठीक है। ये तीन मेजर कोर्सेज हैं। अब इसमें से भी इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं आर्किटेक्चर है, इसके अलावा देख सकते हैं हम लोग लॉ है, एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेस हैं, सबका एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल मैं ये तीन कोर्सेस या इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके स्टूडेंट्स जो है इधर ऑप्ट करते हैं, ऐसा मुझे डिमांड आया तो मैं फिलहाल इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी डिमांड है, आप कमेंट करो, मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया। स्टार्ट करते हैं फार्मेसी से। बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, दो टाइप का फील्ड होने वाला है, 12th के बाद ही होता है। और डिप्लोमा कैसा होगा, तो डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है। इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसा है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फार बैचलर क्या होगा, बैचलर 4 साल का कोर्स है। इंस्टेड इतने में ही नहीं, इसमें भी बी फार्मा, डी फार्मा के साथ फार्म डी करके भी एक हीटेड कोर्स आया है जो रिसेंट में है, आप लोगों को पता होगा, कुछ कॉलेजेस अवेलेबल है, कुछ कॉलेजेस में फार्म डी इसके बारे में। अब इसके लिए करना क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, बाद में एक एक वीडियो पे, एक एक टॉपिक पे, जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी में कोर्सेज क्या क्या है, बी फार्मेसी के फी स्ट्रक्चर क्या क्या है, बी फार्मेसी में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बी फार्मेसी का करियर स्कोप क्या है, बी फार्मेसी कर लिया तो कितना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे हैं, प्राइवेट कॉलेज कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के डिटेल वीडियो एक एक करके बनाऊंगा मैं। फिलहाल मैं बता दूं तो बी फार्मेसी करना है तो आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये बेसिक है। आपको इससे मेरे, आप चाहते हो कि इससे मैं शुरुआत करूँ तो आप ये कमेंट में कर दो, इसका डिटेल वीडियो आने वाला है। फिर इंजीनियरिंग का बात करते हैं, सबसे हीटेड टॉपिक, इससे हीटेड टॉपिक तो कुछ है ही नहीं मेरे को लग रहा है इस पूरे कोर्स में। थोड़ी मुस्कान मेरे चेहरे पर देख सकते हो आप लोग, और आप लोग खुद हंस रहोगे या थोड़ी सी मुस्कुराहट आई होगी। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम तो है ना, इंजीनियर बढ़ रहे हैं तो। बट प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग बढ़ते जा रही, जॉब थोड़े बहुत कम होते जा रहे हैं। सच बात है, गलत बात है, अब टू सम एक्सटेंड मैं बोलूंगा सच बात है ये। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ लाइए, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग करना है तो आपको 3 लेवल होता है, मान लो IIT, NIT एक्सेट्रा, गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, IIT के लिए आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होने चाहिए, बायोलॉजी इज नॉट नेसेसरी। हो गया आपका बायोलॉजी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। आपको कोई स्टेट में हो, लेट्स से आप महाराष्ट्र में हो तो MHCET देने वाले हो,
उसके थ्रू आपको 85% सीट्स मिलने वाले एनजीओइंग में। साथ में उसके अलावा आप दूसरे स्टेट में हो तो हर स्टेट का अपना रीजनल एग्जाम होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाने के लिए। सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग भी तीन लेवल पर बता रहा हूँ मैं, एक आईआईटी सेक्शन का होगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। आईआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो रीजनल स्टेट का एग्जाम देना इनफ नहीं है, आपको देना पड़ेगा क्या, तो आपको देना पड़ेगा सबसे जरूरी जेईई मेंस, फिर उसको क्वालिफाई किया, फिर आपको देना पड़ेगा जेईई एडवांस। ये अभी 2020 का मई का मंथ है, अभी का रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो सिस्टम है, एग्जाम डेट्स कैसे हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वालिफिकेशन होते हैं, वो आने वाले वीडियो में जैसा आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं बनाते चलूंगा। जो भी है आईआईटी का ये सेक्शन हो गया। बाद में जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, अब ध्यान से सुनो, जेईई मेंस है ये, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है क्या, ये भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, या एमएससीईटी से मिलता है, मतलब स्टेट वाले एग्जाम से मिलता है इंजीनियरिंग में एडमिशन या नेशनल वाले एग्जाम से, तो मेरा आंसर है स्टेट वाले से 85% है, नेशनल वाले से 15% है। मतलब जेईई मेन का जब मतलब जबरदस्ती नहीं देना आपको, आप स्टेट का एग्जाम दो वहां से आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा, लेकिन अगर आपको आईआईटी करना है तो आपको जेईई मेन्स और एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कॉलेज आपको किसी स्टेट का चाहिए तो बहुत बेसिक है, आप स्टेट के रीजनल एग्जाम जैसे महाराष्ट्र का एमएससीईटी आप दे दो, आपको वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका स्कोर अच्छा रहा, लेट्स से 200 में से 165 ऐसा स्कोर रहा, तो आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा। जबरदस्त पैकेज, जबरदस्त बोले तो जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं है, आप कोई भी ब्रांच कोई भी फील्ड से इंजीनियरिंग करोगे बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। ये पैसे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में है डाउट कि इंजीनियरिंग में सैलरी मिलती है या नहीं, जॉब मिलते हैं कि नहीं। प्राइवेट कॉलेज का मैं बताऊँ, क्रीमी लेयर हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, 2-4-6 कॉलेज जो बड़े नामी होते हैं वहाँ बहुत सारा प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। उसके बाद इतने ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग के कि आप कितने भी मार्क्स कम से कम लाओगे आप स्टेट लेवल पे तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फिर वही बात है वो कॉलेज आपका प्लेसमेंट देता है या नहीं ये डाउट है। तो आप अपने आप को अगर सिक्योर रखना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आपको चीज़ों को बनाने में इंटरेस्ट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है, आपको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, फील्ड देख सकते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबसे हीटेड सबसे डिमांडिंग एवर डिमांडिंग आईटी वाला फील्ड, बहुत जॉब्स है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आईटी इंजीनियर का कमाल है, सिंपल एज दैट। अब ये सारे फील्ड में बहुत बहुत ब्रिलियंट स्कोप है, देर इज नो डाउट इन दैट, बट आपका कंसिडरिंग क्या आप इस फील्ड में हो, क्या आप यहाँ पर हो, या फिर क्या इस ये प्राइवेट में भी आप क्रीमी लेवल पे हो, अगर नहीं हो, अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने एरिया के सबसे छोटे इंफीरियर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी प्लेसमेंट भी सबसे छोटी होगी या नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, फिर से मैं बोलूँगा अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है, आपको लगता है कि मैं एकदम फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, तो फिर बिंदास आप जान लगा के पढ़ाई करो, बिंदास प्लेसमेंट मिलेगा, कोई पैसे का टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर आप बहुत एवरेज से भी लोअर देन एवरेज हो, सिर्फ ट्वेल्थ के बाद एग्जाम देना है तो दे देते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं एंट्रेंस एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम देना है तो दे देते हैं, इंजीनियरिंग में तो एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, फिर वैसा ही आपका प्लेसमेंट होगा 10,000, 12,000, 15,000, और फिर आप जाके लोगों को बदनाम करोगे कि इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं, इंजीनियरिंग में पैसे नहीं। और रीज़न क्या है कि आपने पढ़ाई कम की है, आपको छोटे कॉलेज इन्फीरियर कॉलेज मिले। अगर आप 11th 12th जान लगा के मेहनत करो, एंट्रेंस का फोकस करो, एंट्रेंस का फोकस करो, आप जान लगा के एमएससीईटी आपके स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दो, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और आप भी बाहर जाकर तारीफ करोगे इंजीनियरिंग की, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक पे कैसा है क्या डिटेल है आईटी और गवर्नमेंट कॉलेज का, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आ जाता हूँ मेरा अपना घर का फील्ड जो देख सकते हैं यहाँ पर, मेडिकल्स, इसमें भी गवर्नमेंट सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रखा है ऑलरेडी मैंने, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, सुना होगा आप लोगों ने MBBS, BDS, BMS, BHMS, फिजियोथेरेपी वेटरन, सारे के सारे कोर्सेज बहुत ज़बरदस्त है, साथ में एक आध BSc नर्सिंग वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, तो जितने भी ऑप्शन है सब बहुत ज़बरदस्त है। मैंने MBBS का वीडियो बनाया, BDS का वीडियो बनाया, कंपेरिजन का वीडियो बनाया, होम्योपैथी का और आयुर्वेदा का कंपैरिजन का वीडियो बनाया, फिजियोथेरेपी का वीडियो बनाया, वेटरनरी का वीडियो बनाया, सारे वीडियोस फिलहाल के लिए अवेलेबल। मतलब ये जो मेरा कोर स्ट्रेंथ है मेडिकल्स, अब तक मैं जहाँ पर स्टिक करता था इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और ऑलमोस्ट 8-10 वीडियो और डाउट्स क्लियर करते हुए अपडेटेड
क्योंकि वो लास्ट ईयर बनाए थे, तो वीडियो अवेलेबल है, बहुत सही इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो उसको, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है स्टूडेंट्स का। और वो वीडियो के बेसिस पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि ज़रूरत है सही जानकारी की, क्योंकि मैंने सही बात की और लोगों को समझ में आया, तो मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत है मुझे फार्मेसी इंजीनियरिंग की भी बात करने की, ज़रूरत है मुझे बीएससी की बात करने की, ज़रूरत है मुझे ट्वेल्थ साइंस की बात करने की, सिर्फ मेडिकल का बात कब तक करेंगे भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेडिकल का तो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, और भी आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसा क्या कंपैरिजन है, बेसिक सबसे बेसिक सबसे बेसिक। भाई डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर रहिए, सारे सारे फील्ड डॉक्टर बनाएंगे आपको, जबरदस्त रेपुटेशन, जबरदस्त नाम, जबरदस्त पैसा, सब कुछ जबरदस्त होगा। लेकिन सबसे जबरदस्त क्या चीज़ है पता है, आप अगर एवरेज हो, लोअर देन एवरेज हो, तो यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। मतलब आप एवरेज हो, आप एकदम पढ़ाई में कमजोर हो, फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो। रीजन ये है कि आप टफेस्ट कॉम्पिटिशन दो, जान लगा के मेहनत करो। सबसे मुश्किल यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल्स में एडमिशन लेना। रीजन बींग कॉलेजेस कम है, अनलाइक इंजीनियरिंग। हाँ, पूरे मुंबई का अगर मैं बात करूँ, MBBS गवर्नमेंट सीट 4-5 कॉलेज, आयुर्वेदा का 4-5 कॉलेज, 4 कॉलेज मुश्किल से, होम्योपैथी का 4-5 कॉलेज, अब 4-4 कॉलेज और एक ही कॉलेज में लिमिटेड सीट। MBBS है तो 200 सीट, 150 सीट, आयुर्वेदा है तो मुश्किल से 100 सीट, 80 सीट, मतलब पूरा पैक डाउन हो जाता है। पूरा मुंबई का ऐड कर देंगे तो एक कॉलेज इंजीनियरिंग में उतना एडमिशन होता है। अब इतनी कम सीट्स हैं, इतने कम एडमिशन है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। इसके लिए हमेशा डॉक्टर्स आर ऑलवेज हाईली डिमांडेड। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप जितना डिमांड क्रिएट हुआ है तो ये ऑप्शनल नहीं है, जिसका मन करेगा वो इस फील्ड में नहीं घुस सकता है, बहुत जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी के लिए मेरे ये चैनल पर ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत सारे 100 से ज़्यादा वीडियो बना दिए मैंने। 90% ऑफ द टाइम आई हैव टॉक्ड अबाउट बींग अ फ्यूचर डॉक्टर, जो कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मेरे बायोलॉजी के वीडियोस हैं, मैं चैप्टर चालू कर चुका हूँ, NCERT वीडियोस बनाता हूँ, जो भी है, अराउंड हज़ारों स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, सब मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो सारे के सारे मेरा गोल यही इस तरफ है, तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो और सबसे ज़रूरी चीज़, ये फील्ड मैंने लिखा नहीं है, जनरल लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ स्कोप नहीं है, जबरदस्त फील्ड है यहाँ पर भी। आई विल टॉक मैक्सिमम थिंग अबाउट द पॉजिटिविटी। और एक बात और बता दूँ, आने वाले वीडियो में क्या बात करूंगा, तो कोई भी कोर्सेस, लेट्स से आप कोई भी कोर्सेस का आप नाम लिखो, या BSc में से कोई भी कोर्सेस, आपको उसका मैं आपको कोर्स का एलिजिबिलिटी बताऊंगा, कोर्स का ड्यूरेशन बताऊंगा, कोर्स का जनरली फीस कितना लगता है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद कोर्स का फीस बताऊंगा, कोर्स का स्कोप बताऊंगा कि पढ़ाई का क्या स्कोप है, कोर्स के अंदर सैलरी कितने मिलेगा, कोर्स का फॉरेन में कितना वैल्यू है या इंडिया में कितना वैल्यू है, और कितना डिमांड है, कितना कम होगा, मतलब बहुत जबरदस्त कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाला हूँ। आपको डेमो चाहिए तो आप इसके वीडियोस देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या लेवल तक करियर गाइडेंस का टिप्स दे सकता हूँ, या मैं क्या लेवल तक इन्फॉर्मेशन बूस्ट कर सकता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। और उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जो भी है बायोलॉजी, वो तो आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आप, मैं इस सीरीज में कम से कम, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, कम से कम 25 वीडियो, 30 वीडियो डालने वाला हूँ, 15 मिनट 20 मिनट बड़े बड़े वीडियो, डिटेल एक एक टॉपिक, मतलब आपको कोई गलती से लगे सर ये इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस फील्ड में एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फटाक से आप कमेंट मेंशन करो, मैं अगली बार बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन अपने पास रहे बिफोर गोइंग इनटू दैट, बिफोर हम उसमें घुस जाए। क्योंकि मैं खुद अभी मेडिकल्स में हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं जब मेडिकल्स में एंट्री कर लिया, उसके बाद कई चीज़ें मालूम पड़ी, अरे ऐसा भी होता है क्या, अरे ऐसा भी होता है क्या, तो सेम आपके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे पास इंटरनेट है, सबसे बड़ा पावर, आपके पास मैं भी हूँ, इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। तो क्या करना है फिर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके डिमांड जो है फटाफट लेके आओ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई भी तरीके से कॉल मत करना, सिर्फ सारे तरीके से आप कनेक्ट हो जाओ, आपके हेल्प के लिए मैं अवेलेबल हूँ। एक एक टॉपिक प्यार से डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक क्या करना है, अगर आप 12th क्लास में हो तो बायोलॉजी पढ़ो, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, 11th क्लास में हो तो बायोलॉजी पढ़ो, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, नीट दे रहे हो तो बायोलॉजी पढ़ो, तब तक के लिए इन जनरल बायोलॉजी पढ़ो, और नहीं पढ़ रहे हो तो आप कोई और चैनल रिफर करो, पढ़ाई करो, करियर गाइडेंस के लिए फटाफट आप यहाँ पर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मुझे एक अनाउंसमेंट करना था कि मैं बोला चलो एक बात कर लेते, थोड़ी बातचीत कर लेते, बहुत दिन हो गए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए क्या करना है कि
कीप योर रिसर्च ऑन, कीप योर स्टडीज ऑन, कीप द जोश हाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम।